नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पिछले साल CUET 2022 के लिए बच्चों को तैयारी कराया और 1000 से ज्यादा बच्चों को अलग अलग सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराया। बट इस साल CUET में एग्जाम के बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे सिलेबस के पैटर्न में बदलाव हो गया है। क्या बदलाव है पूरी वीडियो में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरी वीडियो को देखना तभी समझ पाओगे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्म अभी बिल्कुल भी ना भरे। क्यों? क्योंकि रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रहा है। जैसे पहले कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम फॉर्म में नहीं आ रहे थे, अभी वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें थी जो पहले से जानकारियां नहीं थी, धीरे धीरे वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। तो जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर आएगी हम आपको इस चैनल में बताएंगे और आप उसको देख के अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तैयारी में कोई बाधा नहीं है, तैयारी आप आज से ही चालू कर सकते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट आएगा, जो चीजें आएंगी वो नहीं बदलने वाला है। एग्जाम पैटर्न बदल जाए, फॉर्म का तरीका बदल जाए, बट जो आपका नॉलेज होगा वो तो नहीं बदलने वाला। तो अभी तैयारी करते रहे, फॉर्म की बेचैनी ना करें। चलिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। ये वेबसाइट पे सारी अपडेट्स आपको आनी है, बट आपको इसके लिए बेचैन नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है ना, हमने जब इसमें जब यहाँ पे देखा था, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको बताया था कि जो इस बार का सिलेबस होना है उसमें थोड़ा सा चेंज है एग्जाम पैटर्न में, कि जो डोमेन होगा वो कहीं कहीं डोमेन 45 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से 35 करने होंगे, और कहीं कहीं किसी किसी सब्जेक्ट्स के अगर 50 होंगे तो 40 करने होंगे। और उसके सिलेबस अपडेट होने लगे हैं कि किसके 45 आएंगे, किसके 50 आएंगे, और जनरल टेस्ट में भी 60 क्वेश्चन हो चुका है, कि मतलब 60 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 करने होंगे। लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन होते थे और उसमें से आपको 60 करने होते थे। अब बोलेंगे सर इससे बदलाव से क्या फायदा होगा। देखो अभी तक टाइमिंग इन्होंने नहीं अपडेट किया है कि कितने घंटे का पेपर होगा, कितने मिनट का पेपर होगा, और उससे अगर टाइमिंग अगर सेम रहती है तो बच्चों को एडवांटेज इसका मिलेगा। तो ये अपडेट है बच्चों। तो किसमें 45 क्वेश्चन आएगा डोमेन में, किसमें 50 आएगा, इसको जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाइए। इस वेबसाइट पे यहाँ सिलेबस वाले सेक्शंस में जाइए और यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे हर एक सब्जेक्ट का डोमेन का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है ना, धीरे धीरे अभी ये अपडेट हो रहा है। जैसे देखिए इसको हमने ओपन करा तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्लास अकाउंट्स का सिलेबस है और इसमें देखिए 45 क्वेश्चन आएगा, इसमें 35 करना है। पिछले साल अकाउंट्स में 50 क्वेश्चन आ रहे थे और 40 करने थे, इस साल नहीं है। और देखते हैं किसका किसका हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चर का देखोगे तो एग्रीकल्चर में अभी तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, जिसे इसमें 50 क्वेश्चन ही आएंगे और 40 करने होंगे। बट समझने वाली बात है कि ये अभी फाइनल नहीं है, रोज अपडेट्स हो रहे हैं कुछ ना कुछ वेबसाइट्स में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रुक जाओ, अभी फॉर्म भरने की क्या जल्दीबाजी है, जब चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे, परख लेंगे, तब करेंगे आराम से। हड़बड़ी का नाम कोई गड़बड़ी से कोई भी फायदा किसी को नहीं होता है। ठीक है ना, अब देखिए तो और कौन सी वेबसाइट है सर, इतनी सारी और कौन कौन से सब्जेक्ट है, इतने सारे कैसे समझ में आएगा चेंज हुआ है। तो देखो जैसे इकोनॉमिक्स का अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ भी चेंज हमको दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ भी 45 क्वेश्चन हो गया। देखो हमने एक पैटर्न देखा कि जहां जहां हम देख रहे हैं, ठीक है ना, कलर्ड कर दिया है, ठीक है ना, सिलेबस को पहले व्हाइट पेज पे था, अभी कलर्ड पेज पे कर दिया है, उसमें टाइमिंग चेंज कर दिया है, या वो अपडेटेड है लेटेस्ट। व्हाइट पेज पे है मतलब वो पिछले साल का ही है, उसमें अभी उसको अभी अपलोड नहीं किया नया वाला। ठीक है ना, तो इसीलिए हो सकता हो। और बाकी इंग्लिश मीडियम में बस जहां जहां दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ इंग्लिश मीडियम में है, जैसे कंप्यूटर साइंस में देखो यहाँ इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है ना, तो इसको देखो यहाँ भी देखोगे तो सेम चीज वही किया हुआ है। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे तो देखो जैसे जनरल टेस्ट हो गया तो जनरल टेस्ट में भी देखो आपको कलर्ड कर दिया है। ठीक है ना, और यहाँ लिखा हुआ है कि 60 क्वेश्चन है 50 में। तो आप एक एक सब्जेक्ट अपना चेक कर लीजिए सिलेबस में जाके, जिस डोमेन का या किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, कि क्या आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कि एग्जैक्टली आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं ये चीज अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कितने टाइम का पेपर होगा, और अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो हम मान के चलेंगे जो लास्ट ईयर का टाइमिंग था वही है, जब तक ये क्लैरिटी न रहे। बाकी एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा कि कितने घंटे का समय है, कितने मिनट का पेपर है आपके लिए। ठीक है ना, बट जब अगर हमें लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं टाइमिंग में भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं है, वही क्लास 12th का जो सिलेबस है वही है, बस उसके पैटर्न में चेंज है। क्या हुआ, पैटर्न में चेंज है, इस बात को समझना है
पैनिक नहीं करना है। अभी ये शुरुआत है एग्जाम का, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपडेट्स धीरे धीरे आएंगे, उसको हमको देखना है, समझना है और अपनी तैयारी को उसके अलॉन्ग कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे वरदान बैच से, जिसमें एकदम एक्सटेंसिवली आपको आराम आराम से चीजों को समझा के पढ़ाया गया है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें हैं और वो सारा कुछ आप बेसिक शिक्षा ऐप से पा सकते हैं, वेबसाइट से पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और तैयारी चालू कर दीजिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वेबसाइट आपके लिए रामबाड़ है, इस वेबसाइट को जरूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि इसी वेबसाइट पे सारी वो ऑफिशियल चीज होंगी जो आपके लिए आएंगी। तो इस वेबसाइट को लिख लो कहीं भी या अपने बुकमार्क बना लो, cuet.samarth.ac.in, और एक चैनल जो आपको सही इंफॉर्मेशन देगा वो बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसका अपडेट हमको धीरे धीरे दिख रहा है हर एक सब्जेक्ट्स में, उसको आप अपने अपने सब्जेक्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे और सब्जेक्ट्स में अगर मैं चेक करूं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखिए यहां पे 50 क्वेश्चन ही होगा। अब देखिए यहां पे अपडेट किया है, ये पुराना वाला नहीं है, क्योंकि देखिए कलर्ड यहां पे, पहले कलर्ड नहीं था, ठीक है ना। तो ये इस साल पड़ा है और 50 ही इसमें होगा, ठीक है। तो जो अपडेटेड सिलेबस है इसमें वेबसाइट में, वो कलर्ड फॉर्म में है। देखिए अभी पुराना वाला कौन सा है, जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी है, देखिए तो ये देखिए पिछले साल का है, क्योंकि ये व्हाइट कलर के पेज में ही है, ठीक है ना। तो पिछले साल के जो थे वो व्हाइट कलर के पेज में थे, इस साल उसको कलर्ड करके डाला जा रहा है। तो अभी कई सारे सब्जेक्ट्स का इसमें अपडेट नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। और सीयूईटी की रिलेटेड सारी जानकारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग हैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए। बहुत सारी अभी वीडियोस आपके लिए आएंगी, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा किस कोर्स के लिए, सारी कुछ हम लोग बताएंगे। पहले इनका वेबसाइट अच्छे से अपडेट हो जाने दो, फिर हम सारी चीजें आपको अपडेट कर देंगे। ऑल द बेस्ट।